गुड़िया, कल मम्मा के साथ आप लेटी थी, आज मेरी बारी है। मम्मा मम्मा देखें, कुकू भाई आज फिर कल की तरह झूठ बोल रहा है। मम्मा, कल आपके सामने कुकू भाई ने वादा किया था कि आज आपके साथ मैं लेटूंगी। अच्छा, लड़ाई छोड़ो, आप दोनों ही मेरे साथ लेट जाओ। कुकू जल्दी से उठकर अपनी मम्मा के साथ आकर लेट जाता है। जब कुकू भाई की बारी होती है तो वो अकेला लेटता है आपके साथ, और जब मेरी बारी होती है तो दोनों। कुकू हंसने लगता है क्योंकि मैं अपनी मम्मा का लाडला बेटा हूँ। सुबह हो जाती है, चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेने निकल जाती है। दोनों बच्चे और मम्मा चिड़िया उड़ते उड़ते घर से दूर निकल जाते हैं। नहीं मम्मा नहीं, मैं आज चने का दाना नहीं खाऊंगी, मुझे कोई फल खाना है। मगर मैं तो चने का दाना ही खाऊंगा। कुकू बेटा ठीक है, आप ये चने का दाना खा लें और फिर बाद में हम गुड़िया के लिए फल ढूंढने जाते हैं। कुकू चने का दाना खा लेता है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। जंगल के सभी पक्षी बहुत तेजी से इधर उधर जा रहे थे। जंगल में कुछ गैर मामूली हलचल थी। मम्मा चिड़िया और बच्चे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुछ तो है जंगल में, आज ना जाने क्या होने जा रहा है। सब छुप जाओ, सब अपने अपने घरों में छुप जाओ, जंगल में तूफान आ गया है। सब छुप जाओ, अपनी अपनी जान बचाओ, भोजन छोड़ो, दाना छोड़ो, सब छुप जाओ। मम्मा चिड़िया तो परेशान हो जाती है। जल्दी उड़ो बच्चों, जल्दी घर के लिए वापिस उड़ो। मम्मा क्या होने वाला है, बस जल्दी से उड़ो। अभी मम्मा चिड़िया बच्चों को लेकर उड़ी ही थी कि तूफान वहां तक पहुंच जाता है। अब मम्मा चिड़िया को बच्चों को लेकर उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। वो सब एक पेड़ पर बैठते हैं। मुझे पकड़ लो मेरे बच्चों, मेरे पास आकर बैठ जाओ। तेज हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आकर बैठने लगती है तो तेज हवा के झोंके से गुड़िया हवा के साथ उड़ जाती है। गुड़िया गुड़िया मेरी बच्ची, मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा, गुड़िया बहन दूर चली गई है, मम्मा गुड़िया बहन उधर गई है। अब मम्मा चिड़िया को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे गुड़िया के पीछे जाए। कुकू को साथ लेकर उड़ना बहुत मुश्किल था। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठकर पेड़ की डाल को मजबूती से पकड़ लो, मैं गुड़िया के पीछे जाती हूँ। मम्मा चिड़िया तेज बारिश और तूफान में अपनी बेटी के पीछे जाती है। तेज हवा मम्मा चिड़िया को कभी आगे तो कभी पीछे धकेल रही थी। उड़ना बहुत मुश्किल था। गुड़िया गुड़िया बेटी, कहाँ हो, कहाँ हो मेरी गुड़िया। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से घने जंगल तक पहुँचती है। गुड़िया बहन ना जाने किस हाल में होगी। मम्मा मम्मा, मुझे डर लग रहा है। कुकू रोता हुआ अपनी मम्मा को आवाजें देता है और फिर कुकू भी तेज हवा से दूसरी दिशा की तरफ उड़ जाता है। गुड़िया हवा के जोर से उड़ती हुई एक बेरी के पेड़ में फंसी हुई थी। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा को देख लेती है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर अपनी बेटी की तरफ जाती है। मम्मा मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बेरी के कांटों से आज़ाद करवाने लगती है। मम्मा कुकू भाई कहाँ है। आपका भाई बेटी उसी पेड़ पर बैठा हुआ है। मम्मा भाई ठीक तो होगा। गुड़िया बेटी, अब वापस जाना बहुत मुश्किल है, हमें तूफान के रुकने का इंतजार करना होगा। मम्मा चिड़िया और बेटी चिड़िया उसी बेरी के पेड़ पर बैठकर तूफान के रुकने का इंतजार करने लगती हैं। उधर कुकू तो तेज हवा से उड़ता हुआ सागर वाले जंगल तक पहुंच जाता है। वो एक नारियल के बड़े पेड़ से टकराता है और गिर जाता है। 2 घंटे के बाद तूफान रुकता है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी को साथ लेकर वापस अपने बेटे की तरफ उड़ती है। कुकू कुकू बेटा, कहाँ हो। गुड़िया ये क्या हुआ बेटी, मैं तो कुकू को इसी पेड़ पर बिठा कर गई थी। भैया मेरा कुकू भैया, मेरा भैया कहाँ चला गया।
दोनों माँ बेटी कुकू को इधर उधर देखने लगती हैं। उड़ता हुआ कबूतर उनके पास आता है। चिड़िया बहन, जल्दी से घर चली जाओ, तूफान फिर से आ सकता है। कबूतर भैया, मेरा बेटा कहीं खो गया है। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो घर वापस आ जाएगा। अपनी और अपनी बेटी की चिंता करो और घर चली जाओ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर वापस उड़ती है। वो दोनों माँ बेटी घर पहुँच जाती हैं। रात भी हो गई थी, बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, मेरा भाई ऐसी बारिश में क्या कर रहा होगा? उसने तो पहली बार बारिश देखी है। गुड़िया बेटी, ना जाने मेरा कुकू जिंदा भी होगा या फिर नहीं। मम्मा, मेरा भाई बहुत समझदार है, वो घर वापस जरूर आएंगे। कुकू उसी नारियल के पेड़ के बड़े तने के साथ लगकर बैठा रहता है। उसे अकेले में बहुत डर लगता है, मगर वो जानता था कि शोर करने से कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। बारिश कुकू के लिए नई चीज थी। जब आसमान से तेज बिजली की रोशनी आती तो कुकू और भी डर जाता। लंबी रात गुजर जाती है, बारिश थम चुकी थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक बार फिर से कुकू की खोज में घर से निकलती हैं। कुकू भी उड़ता है। उसे ये जंगल नया नया लग रहा था। वो उड़ते हुए थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर कुकू बहुत खुश होता है। अंकल कौवे, मैं रात तेज तूफान में अपनी मम्मा से बिछड़ गया था। छोटे चिड़िया के बच्चे, मेरी पत्नी भी कल रात उसी तूफान में मुझसे जुदा हो गई। रात वाले तूफान ने बहुत नुकसान किया है पक्षियों का। अंकल कौवे, ये कौन सा जंगल है? बेटा, ये सागर वाला जंगल है। कुकू जानता था कि सागर वाले जंगल में उसकी नानो रहती है। सागर वाले जंगल का नाम सुनकर कुकू खुश हो जाता है। अंकल कौवे, यहाँ सागर वाले जंगल में नदी के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है, वहाँ मेरी नानो रहती हैं। हाँ हाँ छोटे बच्चे, मुझे पता है उस पीपल के पेड़ का। चलो मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। कुकू कौवे के साथ उड़ता है। कुकू घर जाकर अपनी नानो के गले लग जाता है। नानो, मैं बच गया, मैं आप तक पहुँच गया। कुकू बेटा, आप कहाँ से आए हो? नानो, मैं तो रात से मम्मा से बिछड़ा हुआ हूँ। मैं रात वाले तूफान में उड़कर इस जंगल पहुँच गया था। मेरा बच्चा ठीक हो ना आप? हाँ नानो, मैं ठीक हूँ। नानो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लो मेरा बेटा, ये मीठी खिचड़ी खा लो गरम गरम, मैंने अभी बनाई है। कुकू स्वादिष्ट खिचड़ी खाता है। चलो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा बहुत परेशान होगी, मैं आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ कर आती हूँ। फिर कुकू की नानो कुकू को लेकर उड़ती है और बची हुई खिचड़ी भी साथ उठा लेती है। जब कुकू और उसकी नानो घर पहुँचते हैं तो मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर में नहीं थी। नानो, मम्मा नहीं है, मम्मा ठीक तो होंगी? कुकू बेटा, आपकी मम्मा आपको ज़रूर ढूँढने गई होंगी, वो घर लौट आएंगी। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया और गुड़िया लौट कर आ जाती हैं। घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर गुड़िया शोर मचाती है। मम्मा, दरवाज़ा खुला है, कुकू भाई घर आ गए होंगे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर आती हैं तो कुकू अपनी नानों की गोद में बैठा खिचड़ी खा रहा था। अपने बेटे को देखकर मम्मा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। कुकू, मेरे बच्चे। कुकू अपनी मम्मा के गले लगता है और वो परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, दुख आता है, दुख गुजर जाता है, मगर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवे और कालू कौवे घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू दरवाजा खोलता है तो
तुम्हारी पत्नी ने मेरे बेटे की टोपी छीन ली है और उसे मारा भी है, समझा लो उसे। कौन? गौरी ने? गौरी तो सुबह से घर में ही है। ये सुनकर गौरी कवि भी घर से बाहर आ जाती है। मोटी बुलबुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की? मैं कोई चोर हूँ? ये बताओ, तुमने देखा है मुझे कुछ ऐसा करते हुए? एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, चिड़िया ने बताया है मुझे, उसने देखा है तुम्हें मेरे छोटे से बेटे से टोपी छीनते हुए। चल चल भाग, बड़ी आई मोटो बदसूरत बुरी शक्ल वाली। डरती हुई बुलबुल वहां से चली जाती है। घर जाते ही कालू गोरी के घोंसले में पड़ी टोपी देख लेता है। ये टोपी तुमने कहां से ली है? ये तुमने जरूर बुलबुल के बेटे से ही छीनी होगी। चुप कर जा ओए कालू। हाँ छीनी है, कर लो जो करना है, बढ़ाया उस मोटी बुलबुल की वकालत करने वाला। गौरी कवि बहुत बुरी थी, वो हर समय कोई ना कोई नई शरारत करती, सबको तंग करती। गौरी कवि कड़वे फूल लेती है और जाकर कबूतर की पानी की टैंकी में गिरा देती है। कबूतर जैसे ही टूटी से पानी डालकर पीता है वो खांसने लगता है। ये क्या, मेरा पानी कैसे कड़वा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? कबूतर छत पर जाकर देखता है तो टैंकी में कड़वे फूल तैर रहे थे। ये शरारत कौन कर सकता है? दूसरे पेड़ पर बैठी हुई मैना कबूतर से कहती है। चाचा कबूतर, थोड़ी देर पहले गौरी कवि यहाँ बैठी हुई थी, मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। गुस्से में चाचा कबूतर गौरी कवि के घर जाता है। कालू कहाँ है गौरी? उसने मेरी पानी की टैंकी में कड़वे फूल डाले हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। यार कबूतर पागल हो गए हो, वो तो सुबह से अपनी माँ के पास गई हुई है, ये शरारत किसी और ने की होगी। अब अगर दोबारा वो मेरे घर की तरफ आई तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी, बता देना उसे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। नदी पर चिड़िया की बेटी गुड़िया और कबूतर का बेटा की बैठे हुए थे। उड़ते हुए गौरी कवि उन्हें देखकर वहां आ जाती है। गुड़िया के पास दाना था। मैं चौड़ेल हूं, मैं पहाड़ों से आई हूं, मैं खा जाऊंगी तुम्हें। अपनी आंखें उल्टी करते हुए गौरी कवि छोटे बच्चों से ऐसे कहती है। नाना चुड़ैल, चुड़ैल आंटी, मुझे ना खाना, आप मेरे दोस्त कीकी को खा लें। नहीं नहीं आंटी, प्लीज मुझे ना खाना, मेरे पापा आपको मारेंगे, गुड़िया के पापा नहीं है, आप गुड़िया को खा लें। अगर तुम दोनों मुझे ये दाना दे दो तो मैं ये दाना खा लेती हूँ और तुम्हें छोड़ देती हूँ। ले ले आंटी चुड़ैल, आप ये दाना ले लें और मुझे छोड़ दें। फिर गौरी कवि उन छोटे पक्षियों से दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। रोते और डरते हुए बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, नदी पर चुड़ैल है, नदी पर चुड़ैल है। पागल हो गई हो गुड़िया बेटी, मैंने तो कभी वहाँ कोई चुड़ैल नहीं देखी। मम्मा उसकी इतनी डरावनी आंखें थी और काला रात की तरह काला रंग था। मम्मा मैंने अपनी आंखों से देखी है वो चुड़ैल। उधर घर जाकर कबूतर का बेटा कीकी डरा हुआ था। मैं फिर कभी नदी पर नहीं जाऊंगा, वहाँ चुड़ैल रहती है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं डरते, अब आपको बाहर जाना, नदी से पानी पीना, दाना लाना सब सीखना होगा। अगर उस चुड़ैल ने मुझे खा लिया तो फिर मैं क्या सीखूंगा? कालू लो लो ये दाना खाओ, मैंने चिड़िया और कबूतर के बच्चे से चुड़ैल बनकर छीना है ये दाना। सब तंग है तुमसे, जिस दिन तुम पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। कालू बहुत मजा आता है मुझे ऐसे कामों में, मैं तुम्हारी तरह डरती नहीं हूँ, जब पकड़ी जाऊंगी तो देखा जाएगा। ऐसे ही एक दिन गौरी कवि पहाड़ों पर जाती है, वहाँ एक बड़ी चील बैठी हुई थी। हमारे जंगल में ऐसी बड़ी चील पहली बार आई है, शरारत करती हूँ मैं चिड़िया से जाकर। हाँ मैं चिड़िया से शरारत करती हूँ। गौरी कवि जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी जाओ, पहाड़ों पर तुम्हें बूढ़ी फाख्ता बुला रही है, उसे कोई जरूरी काम है तुमसे। पहाड़ों पर मगर कहाँ? बेरी के पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई है बूढ़ी फाख्ता। चिड़िया जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाती है, वो बेरी के पेड़ की तरफ जाती है। चील का मुंह दूसरी तरफ था, चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी,
फाख्ता माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या काम था आपको मुझसे? जल्दी बताइए, मुझे दाना लेने भी जाना है। चील अपना मुंह चिड़िया की तरफ करती है। अब अगर तुम आ ही गई हो तो मेरा भाजन बन जाओ छोटी चिड़िया, और तो कोई काम नहीं है मुझे तुमसे। चील को देखकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। चील, चील दी, आप मैं तो समझी कि वो क्या है आपके पीछे। जैसे ही चील अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, चिड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। भाग गई चिड़िया, जान बचाकर भाग गई। वो गोरी की बच्ची तो आज मेरी जान ही लेने वाली थी। हर समय कोई ना कोई शरारत, उसे सजा जरूर मिलेगी। रास्ते में बैठी हुई गोरी कव्वी चिड़िया को देखकर हंसने लगती है। चिड़िया चिड़िया, क्या कहा बुढ़ी फाख्ता ने, क्या काम था उसे तुमसे? ये तो समय आने पर ही बताऊंगी मैं तुम्हें गोरी की बच्ची। चिड़िया वहां से चली जाती है। पूरे जंगल में एक मिट्ठू तोता ही ऐसा था जो गोरी का एतबार नहीं करता था, इसलिए वो गोरी कव्वी की शरारतों से बचा हुआ था। मगर आज गोरी कव्वी तोते के पास जाती है। मिट्ठू, तौबा कर ली है, अब मैंने भी तौबा कर ली है, अब के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूंगी। सच कहा गोरी, अब तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम बड़ी हो गई हो, और शरारत शरारत में किसी दिन तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। ठीक है मेरे सुंदर सी चोंच वाले मिठू भाई, लो ये मिठाई खा लो, मैंने अच्छी कवि बनने की खुशी में मिठाई बांटी है आज पूरे जंगल में। मिठू बेचारा गोरी कवि से जैसे ही मिठाई लेकर उस पर जोर से अपनी चोंच मारता है, उसकी चोंच मिठाई में छुपे पत्थर पर लगती है। मर गया, मैं मर गया, मेरी चोंच टूट गई है, इस मिठाई में तो पत्थर था। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, तोते को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ऐसे कहते हुए गोरी कवि वहाँ से चली जाती। फिर कुछ दिनों बाद गोरी एक छोटे उल्लू के बच्चे से कहती है। ओए उल्लू के बच्चे, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? आंटी, मेरी आंखें ही ऐसी हैं, मैं कब तुम्हें घूर रहा हूँ? उल्लू के बच्चे, तेरी आंखें तो मैं निकाल ही दूंगी। गोरी मुफ्त में ही उस उल्लू के बच्चे को दो चार लगा देती है। गोरी अभी घर पहुंची ही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है तो बाहर उल्लुओं की पूरी फैमिली खड़ी थी। पकड़ो पकड़ो इसे, मारो मारो इसे। वो सब उल्लू मिलकर मार मार कर गोरी कव्वी को बंदर बना देती हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, माफ कर दो उल्लू जी, मुझे माफ कर दो। तुम जानती नहीं हम कौन हैं? उल्लू 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 हैं जी आप, प्लीज मुझे छोड़ दें। फिर मारने के बाद उल्लू वहां से चले जाते हैं, और गोरी कव्वी की पूंछ पीटने के बाद लाल हो गई थी। हाय हाय मर गई, बहुत मारा जालिमों ने, बहुत मारा। ऐसे गोरी कव्वि को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में गर्मी का मौसम था। गर्मी तो हर रोज ही बहुत ज्यादा होती थी, परंतु आज तो सूरज कुछ ज्यादा ही अपनी आग बरसा रहा था। कालू कव्वे और गोरी कव्वि का बेटा जग्गू कव्वा अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा मम्मा, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं अपने दोस्तों के साथ आमों के बाग में चला जाऊं। मम्मा, वहां आमों के पेड़ों की छांव बहुत ठंडी है, हम दोपहर वहां गुजार कर शाम होने से पहले लौट आएंगे। तुम जब भी बाहर अकेले जाते हो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो, कल हमारे साथ चले जाना। गोरी कव्वे जग्गू की मम्मा तो अपने बेटे की सब उल्टी सीधी बातें मानती थी। उसने तो अपने बेटे को पूरा बिगाड़ रखा था। वह तुरंत बोलती है, कालू जी आप अगर मेरे बेटे की कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो छोटी छोटी बातों पर डांटा तो ना करो। जाओ मेरे जग्गू, जाओ खेलो जहाँ तुम्हारा मन करता है, जाओ मैं देखती हूँ कौन रोकता है मेरे जग्गू को। इतना सुनना था कि जग्गू अपने पापा को ठेंगा दिखाते हुए वहाँ से भाग जाता है। बिगाड़ लो बिगाड़ लो, एक दिन बैठकर रोती हैं तुम्हारी जैसी माएं। जग्गू क्या बात थी, क्यों बुलाया है आपने मुझे और बुलबुले को यहाँ? आज मैंने एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम बनाया है, आज हम दरिया पर नहाने जाएंगे। दरिया पर? ना बाबा ना, मेरी मम्मा तो मार मार कर मुझे उल्लू बना देगी, मम्मा ने मुझे दरिया पर नहाने से रोक रखा है।
लो जी, बुलबुला तो डर गया। हम कौन सा घर बताएंगे? मैं भी मम्मा से यही बोल कर आया हूँ कि हम आमों के बाग में जा रहे हैं। तुम भी कोई झूठ बोल देना। और कुकु, तुम्हारा क्या विचार है? मेरी कभी मम्मा से दरिया पर जाने की बात हुई ही नहीं, परंतु मुझे इतना पता है कि हर साल कई छोटे पक्षी गर्मियों के मौसम में दरिया पर नहाते हुए डूबकर मर जाते हैं। हम गहरे पानी से दूर रहेंगे, देखना कितना मजा आएगा दरिया के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का। क्या शाम से पहले पहले हम लौटकर घर आ जाएंगे? क्यों नहीं, हम तो शाम से पहले ही लौट आएंगे। तो फिर चलो। ठहरो, अगर कुकु जाएगा तो फिर मैं भी चलता हूँ। फिर ऐसे वो सब दोस्त गहरे दरिया में नहाने चले जाते हैं। जग्गू सबसे आगे था क्योंकि उसे तो दरिया पर नहाने का कुछ ज्यादा ही शौक था। वो उड़ते रहते हैं, धूप की उन्हें कोई चिंता ना थी। वो तो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। फिर वो सब दरिया पर पहुंच जाते हैं। दरिया तो बरसात होने के कारण बहुत जोश में था। दरिया की लहरों ने तो शोर मचा रखा था। ऐसा लग रहा था कि दरिया की लहरें बोल बोल कर कह रही हों कि हमसे दूर रहें। आप सब यहाँ क्या करने आए हो? अंकल जी, हम दरिया में नहाने आए हैं, हम सब दोस्त हैं। इन दिनों दरिया में नहाना बहुत खतरनाक होता है। तो फिर बूढ़े अंकल जी क्या ठंड के मौसम में नहाते हैं दरिया पर? जाओ और अपना काम करो। कुकू और बुलबुला तो बहुत डर रहे थे, वो किनारे पर बैठ जाते हैं। क्या तुम यहाँ बैठने आए हो? ऐसा कहते हुए जग्गू दरिया में कूद जाता है। जग्गू को देखकर कुकू और बुलबुले का डर भी थोड़ा कम हो जाता है। वो तो दरिया में कूदने ही वाले थे कि जग्गू जोर जोर से पुकारता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, दरिया की लहरें मुझे डुबो रही हैं। कुकू और बुलबुला तो तैरना भी ना जानते थे, वो तो किनारे पर खड़े शोर कर रहे थे। कोई बचाओ, हमारा दोस्त डूब रहा है, कोई बचाओ हमारे दोस्त को। मैं इसी बात से डर रहा था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुकू अब क्या करें? उनके देखते ही देखते जग्गू तो दरिया की लहरों में डूबता हुआ दूर निकल जाता है। जग्गू के दोस्त कुछ ना कर सके और उनका दोस्त उनकी आंखों के सामने ही डूब गया। कुकू जल्दी जल्दी चलो, वापस जाकर जग्गू के मम्मा पापा को बताते हैं। नहीं, हम इंतजार करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जग्गू दरिया की लहरों से बाहर निकल आए और उसे हमारी मदद की जरूरत पड़े। फिर वो दोनों वहीं बैठकर रोने लग जाते हैं। कुकू कब से घर से निकला हुआ है और अब तो शाम भी होने ही वाली है, लौट कर नहीं आया। मैं जाकर देखती हूँ उसे। फिर कुकू की मम्मा कुकू की खोज में घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है। वो चिड़िया कबूतर के पास बैठ जाती है। कबूतर भैया, मेरा बेटा कुकू सुबह से निकला हुआ है घर से, अभी तक लौट कर नहीं आया। आपने कहीं देखा है मेरे बेटे को? जग्गू बुलबुल का बेटा और कुकू आज सुबह दरिया की दिशा में जा रहे थे। मैं तो भोजन की खोज में उड़ रहा था। मैं ज्यादा ऊंचाई पर था इसलिए उन्हें रोक ना सका और वो उड़ते हुए दूर निकल गए। हाय भगवान, दरिया तो इन दिनों बहुत गुस्से में होता है, ये बच्चे भी किसी की नहीं सुनते। कबूतर और चिड़िया ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, मेरा जग्गू सुबह से गया हुआ है दोस्तों के साथ खेलने, अभी तक नहीं लौटा। गौरी बहन, मेरा कुकू भी जग्गू के साथ ही है और बुलबुल का बेटा भी। कबूतर भैया बता रहे हैं कि वो सब सुबह दरिया की दिशा में जा रहे थे। दरिया में बाढ़ आई हुई है और मौसम भी बरसात का है, चलो जल्दी चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर ऐसे गोरी कौवी, कालू कौवा और चिड़िया तीनों दरिया की दिशा में चल देते हैं। कालू अच्छे से जानता था कि इन दिनों दरिया में पानी बहुत ज्यादा होता है और उसे अपने बेटे की शरारतों का भी अच्छे से पता था, इसलिए कालू कौवा बहुत डरा हुआ था। वो सब दरिया पर पहुंच जाते हैं। वहां कुकू और बुलबुला बैठे रो रहे थे। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? वो भी आया था आपके साथ। कुकू, मेरे जग्गू को क्यों तुम दरिया पर लेकर आ गए और कहाँ है मेरा जग्गू? मम्मा मम्मा, हम सब छांव में बैठे थे कि जग्गू हमें लेकर दरिया पर आ गया। हम नहीं मान रहे थे, परंतु जग्गू ने एक ना सुनी हमारी।
गोरी आंटी, जग्गू ने जैसे ही दरिया में छलांग लगाई वो तो लहरों में डूब गया और अब तक बाहर नहीं आया। ये सुनकर तो गोरी कव्वी रोने लग जाती है। कुकू की मम्मा भी रो रही थी, वो सब रो रहे थे। मेरा जग्गू कहाँ चला गया? मेरे बेटे तुम क्यों आए दरिया पर नहाने? चिड़िया और बुलबुल के बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, मेरा ही बेटा दरिया में डूबना था। हाय मेरी किस्मत। गोरी की रोने की आवाज सुनकर एक पक्षी वहाँ आ जाता है। आप सब क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ का कोस्ट गार्ड हूँ। कोस्ट गार्ड जी, मेरा बच्चा, मेरा जग्गू दरिया में डूब गया है, आप प्लीज हमारी हेल्प करें। कितनी बार इन छोटे पक्षियों को दरिया में नहाने से रोका है, हम भी पक्षी हैं, कहाँ कहाँ रक्षा करें। यहाँ से थोड़ा आगे एक पुल है, अगर आपके बेटे की जिंदगी हुई तो वहाँ वो फंस गया होगा। मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर वो कोस्ट गार्ड पक्षी अपनी नाव लेकर वहाँ से चला जाता है। वो कोस्ट गार्ड अपनी नाव बहुत तेज चलाता है, फिर अचानक से उसका ध्यान दरिया के किनारे पर कुछ झाड़ियों पर जाता है। उसे वहाँ कुछ महसूस होता है। वो पक्षी तुरंत वहाँ आता है। जग्गू कौवा उस झाड़ी में फंसा हुआ था, वो तो बेहोश था, उसके पेट में ज्यादा पानी चला गया था। वो पक्षी उस छोटे कौवे को उठाकर अपनी नाव में रखता है और उसका पेट दबाता है, जिससे पानी उसकी चोंच से बाहर निकलता है। वो ऐसा बार बार करता है। फिर वो छोटा कौवा अपनी आंखें खोलता है और कोस्ट गार्ड अपनी नाव वापस घुमाता है। अपने बेटे को जिंदा देख तो गोरी और भी जोर जोर से रोने लग जाती है। आज पहली बार कोई पक्षी जिंदा बचा है ऐसी लहरों से। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैंने आमों के बाग में जाने का झूठ बोला और कुकू और बुलबुले को साथ लेकर दरिया पर आ गया। अब चुप कर जाओ बेटे, और कभी भी अपनी मम्मा पापा से झूठ नहीं बोलते। फिर वो सब उस कोस्ट गार्ड पक्षी का धन्यवाद बोलते हैं और खुशी खुशी वापस घर लौटते हैं। प्यारे दोस्तों, हर साल दरियाओं और नदी नालों में नहाने से कई कीमती जानें चली जाती हैं। भगवान के लिए ऐसा ना करें, और अगर आप अपने आसपास ऐसा किसी को करते देखें तो उसे भी रोकें।